लॉयनेस क्लब चेष्टा चांदपुर ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। लीजिए प्रस्तुत है उस कार्यक्रम की एक झलक। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है, एक बार जोरदार तालियां बजाते कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आज मैं 26 जनवरी की पूर्व पर इस उपलक्ष्य में मैं मंजू त्यागी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचार प्रकट करें। आइए मंजू जी। आइए मंजू जी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कल 26 जनवरी 2021 में हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस विचार गोष्ठी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आप सबको गणतंत्र दिवस पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। कल के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली में ध्वजारोहण से होगा। उसके बाद प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण होता है। कल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी रोचक जानकारी देना चाहूंगी। ध्वजारोहण के बाद जो जनगणमन होता है राष्ट्रगान 52 सेकंड में, उसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के 7 तोपें 3 राउंड में सलामी देती हैं और इस प्रकार हमारी 21 सलामी पूर्ण होती है। इसका बड़ा ही विशेष महत्व है। इस बार COVID-19 के कारण सारा कार्यक्रम बड़ा संक्षिप्त रूप से होगा। जहां बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग हुआ करती थी, 1.5 लाख आगंतुक हुआ करते थे, इस बार के कार्यक्रम में सिर्फ 25,000 आगंतुक ही वहां होंगे। और 55 साल के बाद यह पहला अवसर होगा जब कोई भी मुख्य अतिथि बाहर से नहीं आ रहे हैं। पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का आने का प्रोग्राम था, लेकिन कोविड के कारण उनकी यात्रा रद्द करनी पड़ी। हमारी आर्म फोर्सेस की टुकड़ियों की परेड होगी। इस बार बटालियन का साइज भी कम कर दिया गया है कोविड को देखते हुए ही, और सभी कार्यक्रम विधिवत होंगे लेकिन संक्षिप्त रूप से होंगे। हमारे संस्कृति की झांकियां भी वहां प्रदर्शित होगी। COVID-19 पर वैक्सीनेशन की झांकी भी वहां होगी और डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजेशन का, इन सब का भी पूरा ध्यान वहां रखा जाएगा। हमारे जो फाइटर जेट हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो भी राफेल, वो भी इस परेड में पहली बार मौका भाग लेंगे। और हमारी जो फर्स्ट लेडी पायलट हैं भावना कंठ, वो भी इस परेड में भाग ले रही हैं। ये जानकारी मैंने आपको दी। राष्ट्रीय परेड में मोटरसाइकिल स्टंट इस बार नहीं होंगे, लेकिन ट्रैक्टर परेड किसान अपना विरोध प्रदर्शन के लिए करेंगे। अब अंत में मैं अपने देशभक्ति भावनाओं को रखते हुए कुछ मुक्तक आपके सामने रखना चाहूंगी। यह धरती दर हकीकत आसमां से खूबसूरत है, यह धरती दर हकीकत आसमां से खूबसूरत है, मेरा हिंदुस्तान सारे जहां से खूबसूरत है। अनेकता में एकता हमारी शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान। भारत माता की जय। जन के तंत्र का जो मंत्र है वो हमारा गणतंत्र है, मेरा ये मुक्तक गणतंत्र की बधाई का यंत्र है। जय हिंद, जय भारत माता की जय।